माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वो डहलिया का प्लांट है और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ही ह्यूज फ्लावर्स होते हैं इसके और ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन ये सिर्फ विंटर्स में फ्लावरिंग करेगा। और अगर आप इसकी ज़्यादा टेक केयर करेंगे, बहुत अच्छी टेक केयर करेंगे, तो ये विंटर्स में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। सो आपको डहलिया में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और आप इसे किसी भी पॉट में आराम से उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको इतने बड़े पॉट में उगाया है अपने इस डहलिया के प्लांट को। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और आपको ये रखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। मतलब दूर से ही आपको ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं इसके फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स बहुत कलर्स के आते हैं, जैसे कि रेड हो गया, वाइट हो गया, पर्पल हो गया और भी बहुत सारे कलर्स के इसके फ्लावर होते हैं। सो ये आपके आप रख सकते हैं अपने घर पर, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करेगा। आप इसे टेरेस पर भी लगा सकते हैं, आप गमले में भी उगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लावर करता है और ये परमानेंट प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसने फ्लावर्स ही बहुत लिए हैं। यहाँ पे इसके 3 बड्स हैं, 1-2 और एक के नीचे बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, कभी आपको दिखेगा नहीं। और इसका यहाँ पे भी एक आदमी, यहाँ पे भी इसका एक बड आ रहा है फ्लावर का यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। एक्चुअली इसमें इधर पे 4 बड्स थे और इधर पे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, लेकिन यहाँ पे किसी बंदे ने मेरे ये जो बड्स हैं ये तोड़ दिए, तो अभी ये सिर्फ मेरे पे ओनली 4 बचे हैं। 2 किसी बंदे ने तोड़ दिए इसके बड्स। सो बस बाकी ये बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट है और वो है गुलदावरी। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसमें बहुत सारे आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मेरे पे एक्चुअली इसके 3 कलर्स हैं। ये तो पिंक टाइप का, पिंक पर्पल टाइप का, और आपको एक मिलेगा रेड टाइप का और एक आपको मिलेगा येल्लो, और बहुत सारे इसमें कलर्स मिलते हैं, वाइट भी आता है। सो ये बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये सेकेंड विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। अब देख सकते हैं इसने 3 फ्लावर्स ले रखे हैं और इसने यहाँ पे बहुत सारे बड्स ले रखे हैं। सो ये भी एक परमानेंट प्लांट है। बस समर्स में इसकी थोड़ी सी टेक केयर करनी होती है कि ये सूखे ना, बाकी बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। आप देख सकते हैं इसकी साइज बस इतनी सी है, इतना बड़ा जो प्लांट है बस ये इतना बड़ा, और इसने इतने सारे फ्लावर्स ले रखे हैं। तो ये तो रहा हमारा सेकेंड विंटर फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वो रोज प्लांट है। रोज प्लांट के अगर आप अच्छे से टेक केयर करें तो ये गर्मियों में भी बहुत बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें। ये तो रोज प्लांट में आपको बहुत सारे कलर्स देखने मिल जाएंगे, जैसे ये व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। सो अभी तो मेरा सिर्फ ये व्हाइट और रेड ही ब्लूमिंग पे है, बाकी जो पिंक और ऑरेंज है उन्होंने अभी फ्लावर्स नहीं लिए हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड विंटर फ्लावरिंग प्लांट और ये परमानेंट प्लांट है। अब इसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोज़ तो सभी को पसंद है और जब सब जानते हैं कि रोज़ को हम क्वीन ऑफ द गार्डन भी कहते हैं, तो रोज़ प्लांट आपके गार्डन में होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रेड रोज का प्लांट। ये गर्मियों में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हैं इसने बहुत सारे बड्स ले रखे हैं, इधर पे भी इसने बहुत बड्स ले रखे हैं और बहुत सारे इसके फ्लावर्स आके भी झड़ चुके हैं। सो ये बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये समर में बहुत अच्छे फ्लावर्स लेता है। सो रोज प्लांट तो होता ही बहुत अच्छा है।
फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वो गेंदे का प्लांट है। तो मैरीगोल्ड, ये विंटर्स का मैरीगोल्ड, आप देख सकते हैं इसने कितने सारे फ्लावर्स ले रखे हैं। आपको इसे दूर से दिखाती हूँ, कलर ये देखिए इसने कितने सारे फ्लावर्स ले रखे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स ले रखे हैं। थोड़े इसके रेडिश टाइप के, रेडिश मरून या गोल्डन टाइप के होते हैं फ्लावर्स। देखिए थोड़ा सा डार्क रेड है, फिर अभी क्योंकि नया नया खिल रखा है फिर ये ऐसे कलर के हो जाते हैं। सो ये भी बहुत ही प्यारा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसे देखिए एक बार 360 डिग्री से, एक बार इसे देखिए कितना प्यारा प्लांट है ये। सो ये रहा हमारा फिफ्थ विंटर फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो आप इधर पे ये जो देख रहे हैं ये भी विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये देखिए सिर्फ विंटर्स में रहता है, गर्मियों में इसके प्लांट्स नहीं होते हैं, ये सूख जाते हैं गर्मियों में। सो तो इसको भी मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी टॉप 5 विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।